हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और क्या तुम्हें पता है दुनिया में एक ऐसी लड़की मौजूद है जिसकी एक टांग सच्ची में नकली है, लेकिन फिर भी वो आज एक वर्ल्ड क्लास बैले डांसर है। कूल, जो हर सीजन में अपनी जगह चेंज करती रहती है। वर्ल्ड क्लास फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते थे तो बॉस इस वीडियो को ना एकदम अंत तक देखना, वरना आप ये भी नहीं जान पाओगे कि क्यों तीखा खाने वाले लोग ज्यादा जीते हैं एज कम्पेयर टू नॉन तीखा खाने वाले लोग, या फिर क्यों क्वीन एलिजाबेथ महारानी होने के बावजूद भी सेकेंड हैंड यानी कि पुराने जूते पहनती है। उसे बुझाने के Let us get on with our today's fact की बातें। Number one, थन्नसेटों का जो कि स्विट्जरलैंड की हसीन बर्फीली वादियों में लोकेटेड है, और ये दुनिया की सबसे महंगी प्राइवेट बोर्डिंग स्कूल है, जहाँ महंगे से मेरा मतलब है यहाँ की सालाना फीस सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ रुपए के आसपास ही है, और इसीलिए शायद इस स्कूल में 56 कंट्रीज से महज सिर्फ 400 बच्चे ही पढ़ रहे हैं। और ये स्कूल वर्ल्ड का इकलौता ऐसा स्कूल है जो सीजन के अनुसार अपना कैंपस बदलता है। मतलब ये स्कूल समर सीजन तक लेक जेनीवा के पास में कैंपस रखेगा, और विंटर सीजन आते ही वो स्टार्ड में अपने खुद के स्काई रिसोर्ट के कैंपस में स्टूडेंट्स को इनवाइट करेगा। मतलब भैया फीस लेते हैं ज्यादा, पर उतनी सुविधाएं भी देते हैं कि पैसा वसूल हो जाए। और क्या क्या सुविधाएं देते जाना चाहोगे? तो भाई स्कूल का खुद का पर्सनल प्राइवेट रिसोर्ट है, और यहाँ तक कि जहाज है जो हर साल बच्चों को हॉलीडे पर ले जाती है, वो भी 10-12 दिनों के लिए नहीं बल्कि पूरे 3 महीने यानी 90 डेज के लिए। और रूटीन सुनो, यहाँ पर एक टीचर सिर्फ 5 बच्चों को ही पढ़ाता है, जैसे पुराने जमाने का गुरुकुल हो। और अब जैसे सेंट मेरी स्कूल में पढ़ने वालों को मेरियंस कहते हैं, वैसे ये स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट को रोजायंस कहते हैं। और आज भी दुनिया के कई अमीर हस्तियों जैसे हॉलीवुड एक्ट्रेस एलिजाबेथ टेलर, इंडियन बिजनेसमैन पंकज ओसवाल, बीटल्स के सिंगर जॉन लेनन एटसेट्रा के बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं। नंबर 2, कार का जबरिया फैन। अब फ्रेंड्स, क्या आपको बताया दुनिया में एक ऐसा भी इंसान है जिसके पास 100, 200, 500, 1000 या 5000 भी नहीं बल्कि पूरी की पूरी 7000 महंगी से महंगी रेयर से अल्ट्रा रेयर वन पीस गाड़ियां हैं? हाँ, बिल्कुल सही सुना, 7000। जैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक ने दुनिया में सबसे ज्यादा गाड़ियां ओन करने का रिकॉर्ड दे दिया है। जिंदगी हो तो ऐसी हो। Well, जिसकी ये सारी गाड़ियां हैं वो ब्रुनेई के प्राइम मिनिस्टर सुल्तान हसन लाल बोलकिया है, जिनकी नेटवर्थ भले ही अंबानी साहब की आधी जितनी भी ना हो, पर गाड़ियों के मामले में ये दुनिया में सबके बाप है, क्योंकि इनके कार के कलेक्शन में 604 रोल्स रॉयसेस, 574 मर्सिडीज बेंजेस, 452 फरारीज, 382 बेंटलेस, 209 बीएमडब्ल्यूज, 179 जैगुआर्स, 134 कोनिग्सेग्स, 21 लैम्बोर्गिनीज, 11 एस्टन मार्टिन्स एंड 1 एसएससी। क्या बात है। ओ भाई, ऐसा लग रहा है फ्रिज में पड़े आलू टमाटर प्याज है, लेकिन ये इतनी सारी गाड़ियों को पार्क कहाँ पे करता होगा? Well, ये तो नहीं पता ये गाड़ियाँ कहाँ पार्क होती है, लेकिन सूत्रों के हिसाब से ये गाड़ियाँ 5 अल्ट्रा लग्जूरियस एरोप्लेन हैंगर्स यानी जहाँ पर प्लेन्स पार्क होते हैं ना, वहाँ पार्क की जाती है। बट ये जगह कहाँ पर है ये किसी को भी नहीं पता, क्योंकि ये एक सीक्रेट है। नंबर 3, स्टूपिड मोटरिस्ट लॉ। इमेजिन करो फ्रेंड्स कि कल को तुम तेज बरसात के कारण अपनी गाड़ी में अटक गए हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, और तभी पुलिस आके तुम्हें बचा लेती है। चलो हार्श, लेकिन फिर भी तुम्हें बचाने के लिए किया जाता है तुमसे खर्चा पानी भी वसूल। मतलब ये तो गजब हो गया, राइट? पुलिस अब बचाने के लिए भी पैसे लेगी? वेल, हाँ लेगी, अगर मोटरिस्ट स्टूपिड है तो जरूर लेगी। और कुछ ऐसा ही हुआ यूएसए के एरिजोना में, जहाँ पर स्टूपिड मोटरिस्ट लॉ के अंदर अगर तुम गलती भलती से भी या ज्यादा चुल के कारण अपनी गाड़ी को बाढ़ वाले इलाके में घुसा के फंसा देते हो, तो पुलिस तुमसे तुम्हें रेस्क्यू करने का चलान काटेगी। मतलब पुलिस तुम्हें तुम्हारी फंसी हुई गाड़ी को निकालने के लिए तुमसे ही पैसे वसूल करेगी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। और ये सिर्फ मैं हवा में ही नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि इसके लिए 1995 साल में बकायदा रूल्स बनाए गए हैं, जहाँ इस लॉ को निकालने का मेन रीजन ये था कि लोगों को उनकी गलती से बचाने का खर्चा टैक्स पेयर्स के पैसों के बदले क्यों ना गलती करने वालों से ही पैसे वसूल कर लिया जाए। और वैसे बात तो सही है, मोच करने वाले हैवी ड्राइवर्स इस रूल से जरूर सावधान रहेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरी तरह ही क्रिकेट के फैन हो तो मैं आपका स्ट्रगल समझ सकता हूँ। यार मुंबई में तो लॉकडाउन चल रहा है, क्रिकेट खेले तो कैसे खेले? वेल, बिल्कुल टेंशन नहीं, घर बैठकर भी आप क्रिकेट खेल सकते हो। माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करने का और खेलने का। इस ऐप पर आप अपने क्रिकेट के नॉलेज और स्किल से करोड़पति बन सकते हो। हाँ भाई, और करना ज्यादा कुछ नहीं है, बस इसकी तरह माई 11 सर्कल पे एकदम आसानी से कोई भी 11 प्लेयर्स जिसमें सौरभ गांगुली, वॉटसन और रशीद जैसे वर्ल्ड चैंपियंस भी है, उनमें से चूज करके अपनी एक क्रिकेट टीम बनानी है, आप करोड़पति बन सकते हो। वैसे तो ज्वाइन करने पर आपको 1500 रुपीज का वेलकम बोनस मिलता ही है, पर सिर्फ मेरे व्यूअर्स को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करने पर 20% एक्स्ट्रा कैश भी मिलेगा। एंड फिकर नॉट, ये ऐप काफी सिक्योर है और इसीलिए सारा पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो अब रुके क्या हो, गो डाउनलोड द ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। दिस गेम इन्वॉल्व्स
element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. Number 4, खूब मिर्च खाओ। Friends, क्या तुम्हें बहुत ही तीखा मसालेदार खाना पसंद है? मेरी तरह मुझे भी पसंद है। Well, अगर नहीं है तो sorry, but यार तुम जल्दी मरोगे क्योंकि British Medical Journal द्वारा 2004 से 2008 में किए 30 से 79 उम्र तक के 199,293 मर्द और 288,082 औरतों के बीच की गई स्टडी के मुताबिक ये पाया गया कि जो लोग डेली स्पाइसी खाना खाते हैं ना, उनके स्पाइसी खाना ना खाने वालों के मुकाबले मरने की संभावना 14% कम होती है। अब लेकिन रिसर्चर्स के हाथों में कोई ठोस सबूत नहीं मिला था कि हम एग्जैक्टली कैसे स्पाइसी फूड खाने से लंबा जीत सकते हैं, पर कुछ स्टडीज के अनुसार हमें यह पता लगा कि मिर्ची में कैप्साइसिन नाम का एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसमें कैंसर के ट्यूमर सेल्स को लड़ने की, आपके मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करने की, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कम करने की और बॉडी में कीटाणुओं से लड़ने की शक्ति होती है और जो शायद आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है जिससे इनडायरेक्टली हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ती है। So yeah, there you have it. अगर ज्यादा जीना चाहते हो तो मसालेदार तीखा टमटमा मुर्ग मुसल्लम ऐसे टाइप के डिशेस खाना शुरू कर दो, पर हाँ लिमिट में खाना वरना बवासीर से मरोगे। नंबर 5, इंडिया की छाती चौड़ी हो गई। वेल, इस नजारे को देखो। ये नजारा कोई फॉरेन देश का नहीं है बल्कि ये नजारा देख के सारे इंडियंस हक्के बक्के बहुत चक्के हो गए थे क्योंकि ये नजारा है अपने इंडिया के साइलेंट सिटी मिजोरम के आइजवाल का, जहाँ काफी घंटों तक लंबा ट्रैफिक जाम लगा रहता है लेकिन फिर भी एक भी बंदे ने अपनी लेन क्रॉस नहीं की। पर अपने बाकी के इंडिया में भी तो ऐसे लंबे ट्रैफिक जैम्स लगे रहते हैं और किसी में भी पेशेंस नहीं होता तो यहाँ पर लोग ऐसा कैसे कर लेते हैं? मतलब जस्ट लुक एट इट, बिना किसी ट्रैफिक पुलिस के खड़े रोड पे इतनी पतली सी जगह होने के बावजूद भी किसी ने न हॉर्न बजाया न किसी बाइक वाले ने भी ट्रैफिक तोड़ा, लोग चुपचाप ट्रैफिक जैम खुलने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे कैसे भाई? वेल, बात ये ना कि यहाँ पर हर जगह के जैसे नॉर्मल ट्रैफिक रूल्स ही है, बस यहाँ के लोग बड़े डिसिप्लिन्ड और वेल मैनर्ड है जिससे ये पूरे तन मन और लगन से ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, समझे? दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और भी बड़े बड़े शहरों वाले, मिजोरम वालों से हमें कुछ सीखना चाहिए सही में। नंबर 6, टॉयलेट पे चर्चा। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी की एक रिपोर्ट के अनुसार नॉर्मल अमेरिकन सालाना ऑन एन एवरेज 36,000 रुपए खर्च कर देता है सिर्फ और सिर्फ फ्लश करने में। मतलब समझो, अमेरिकन धोने से ज्यादा बहाने में खर्च कर देते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? Well, उसके लिए ये देखो, ये है एक आम टॉयलेट जिसमें वाटर लेवल काफी कम है और ये है एक अमेरिकन टॉयलेट जिसमें वाटर लेवल काफी ज्यादा है। अब भले ही सोचने में अजीबोगरीब लगे पर ये एक सच्चाई है क्योंकि अमेरिकन टॉयलेट साइफोनिक होते हैं, यानी इनमें बॉल में ही ज्यादा पानी होता है और इसका भी अभी तक कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं मिला, बस ऐसे ही चलता आ रहा है। बट अलग अलग लोगों का अलग अलग कहना है। कोई लोग कहते हैं कि इसीलिए होता है ताकि टॉयलेट करते वक्त साइड पे या कहीं और पूप मार्क्स न छूट जाए और इससे पूप करते वक्त पानी में गिरने से ज्यादा स्मेल नहीं आती और इसीलिए ऐसे टॉयलेट्स में फ्लश करते वक्त ज्यादा पानी यूज होता है। अकॉर्डिंग टू बीबीसी अमेरिका, इसके एक फ्लश के वक्त नॉर्मली 6 लीटर जितना पानी जाता है, तो अगर एक इंसान दिन में 10 बार फ्लश करता है तो 60 लीटर पानी डेली और महीने का 1800 लीटर पानी और साल का 21,600 लीटर पानी हो जाता है। अब जहां यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के हिसाब से 6 लीटर फ्लश करने में 1.3 सेंट्स यानी तकरीबन 1 रुपए खर्च होते हैं, तो दिन के 10 बार के हिसाब से 10 रुपए हो गए, महीने के 3,000 रुपए हो गए और साल के 36,000 रुपीज हो गए। और वो तो अच्छा है कि ये लोग धोते नहीं है, टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल करते हैं, वरना इनका तो सालाना 1,00,000 रुपया पानी में ऐसे ही चला जाता, यू नो, धोने फ्लश करने में। नंबर 7, कुछ भी चलेगा बस अंग्रेजी होना चाहिए। अब फ्रेंड्स, ये है 1980s के वक्त का इटली का सबसे हिट गाना। जो ना ही इटालियन में है और ना ही इंग्लिश लैंग्वेज में है। इनफैक्ट ये गाना दुनिया की कोई भी भाषा में नहीं है बल्कि ये गाना तो सिर्फ जिब्रिश यानी आंडू पांडू झंडू ऐसे करके कुछ भी बोल दिया गया, लेकिन फिर भी ये गाना हिट हुआ। जानना चाहते हो क्यों? Well, क्योंकि ये गाना इटालियन सिंगर एड्रियानो सेलेंटानो ने रिलीज किया था 3 नवंबर 1972 में और इस गाने का नाम है प्रिसन कॉलिन एनसीना एनसियुजोल, जहाँ एक्चुअली में एड्रियानो ने ये गाना लैंग्वेज बैरियर को तोड़ के सबको ये बताना चाहते हुए कि नॉन इंग्लिश स्पीकिंग पीपल के लिए इंग्लिश कैसे साउंड करती है, इसीलिए बनाया गया है। यहाँ पर एड्रियानो ने गाने के थ्रू ये भी प्रूफ किया कि इटालियंस कोई भी गाना जो इंग्लिश में होगा और फिर भले चाहे उन्हें वो समझ में ही क्यों ना आए, वो उस पर ठुमक ठुमक कर ठुमके लगाकर नागिन डांस करते हैं, इतने शौकीन है ये लोग अंग्रेजी के। नंबर 8, एलिजाबेथ का सेकंड हैंड शूज ऑब्सेशन। अब फ्रेंड्स, जैसे मैंने इंट्रो में बताया था, क्वीन एलिजाबेथ किसी और के पहने हुए जूते यानी कहे तो सेकंड हैंड जूते पहनती थी। वियर्ड राइट? मतलब रानी होकर सेकंड हैंड जूते, बात कुछ शोभा नहीं देती। बट बात तो कुछ ऐसे ही है, वो कभी भी नए जूते नहीं खरीदती थी।
Well, इसके पीछे का रीजन थोड़ा सा बेतुका सा है। आप सभी को पता होगा, हम जब भी नए जूते खरीदते हैं तो अक्सर हमें शू बाइट हो जाता है पहले कुछ बार उसे पहनते वक्त। और इससे बचने के लिए महारानी ने फेंके अपने पैसे और ले आई अपने पैरों के साइज वाले पैरों वाली एंजेला केली नाम की एक पर्सनल असिस्टेंट कम ड्रेसर, जो सबसे पहले क्वीन के लिए आई नए जूते को ट्राई करती थी। और जब जूते का साइज फिट हो जाता था और जूता थोड़ा सा लूज हो जाता था, तब महारानी साहिबा के रॉयल पांव में स्पर्श होते थे ये जूते। मतलब देख रहे हो, यहाँ पर तो वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। आपको क्या लगा था महारानी साहिबा डाउन टू अर्थ होगी? हैं? नंबर 9, बर्ड माइकल जैक्सन। अब फ्रेंड्स, क्या आपने कभी किसी नर चिड़िया को ऐसे डांस करते हुए देखा है, मतलब माइकल जैक्सन जैसे मून वॉक करते हुए? वेल, आज देख लो। और ये ऐसा क्यों कर रहा है बताता हूँ, मादा चिड़िया को इम्प्रेस करने के लिए। ये है माइकल जैक्सन का सबसे जबरिया फैन, ये छोटी सी नन्ही सी रेड कैप्ड मैनिकिन चिड़िया। माइकल भैया के फेमस मून वॉक को बड़े ही आसानी से, आराम से और बेहतरीन फुर्ती से करती है। और इंटरेस्टिंगली, ये चिड़िया अपने ऐसे किलर कातिलाना डांस मूव्स मेटिंग सीजन के दौरान उनके पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए करती है। पर दुख की बात तो यह है कि ये सेंट्रल और साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले लिटिल बर्डी माइकल जैक्सन की पूरी दुनिया में बहुत ही कम प्रजातियां बची है, जो धीरे धीरे वैसे एक्सटिंक्ट होने की कगार पर चल रही है। नंबर 10, लिव योर ड्रीम्स एंड नेवर गिव अप। अब फ्रेंड्स, ये वो लड़की है जिससे पूरी दुनिया मिसाल लेती है, क्योंकि इनकी एक टांग प्रोस्थेटिक लेग होने के बावजूद भी ये एक वर्ल्ड क्लास बैले डांसर है। जी हाँ, वर्ल्ड क्लास डांसर। नॉर्मली जहाँ पर हम जैसे लोग दोनों पाओ के साथ भी सही से डांस नहीं कर पाते, वहीं ये ऐसे पाओ के साथ बेले, पॉइंटे, हिप हॉप, टैप, जैज, कंटेम्पररी और लिरिकल जैसे अलग अलग डांस फॉर्म्स में बड़े आसानी से और बहुत ही लाजवाब तरीके से डांस कर लेती है। वेल, ये लड़की है मिसौरी अमेरिका की 19 साल की गैबी शुल, जिसकी जिंदगी 2011 में हुए एक आइस स्केटिंग एक्सीडेंट के दौरान पूरी तरीके से बदल गई। जहां पहले तो गिरने से छोटी मोटी घुटने पे चोट जैसी ही मालूम पड़ी, लेकिन जैसे ये डॉक्टर के पास पहुंचे और जब एक्सरे करवाया गया, तब ये मालूम पड़ा कि इसे ऑस्टियोसार्कोमा मतलब नी कैंसर की बीमारी थी। और इसके चलते 9 साल की मासूम उम्र में गैबी को लगातार 3 महीने की कीमोथेरेपी के सेशंस के बाद अपनी एक टांग की नी कैप निकलवानी पड़ गई। पर डॉक्टर्स ने इसे हैंडीकैप न फील हो, इसीलिए उसके आधे बचे पैर को 180 डिग्री पर उल्टा कर दिया और एक प्रोस्थेटिक लेग के साथ जोड़ दिया। लेकिन इतनी छोटी उम्र में भी इतना कुछ हो जाने के बाद गैबी कभी भी हार नहीं मानी और बड़ी हिम्मत से उसने अपने डांस और बैले प्रैक्टिसेस को चालू रखा। और धीरे धीरे वो डांस में प्रैक्टिस करती रही, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करती रही। और फिर इस हादसे के एक साल बाद, कड़ी मेहनत के बाद, वो आज अपने प्रोस्थेटिक लेग के सहारे फिर से दुनिया भर के लोगों के लिए एक मिसाल बन चुकी है। Could this girl be any more awesome? Well, definitely an inspiration for many. So friends, अब वक्त आ गया है एक पहेली को सुलझाने का। पहेली कुछ ऐसी जाती है, गोल हूँ पर बॉल नहीं, पूंछ हूँ पर जानवर नहीं, पूंछ पकड़कर खेले बच्चे फिर भी मुझको दर्द नहीं, क्या हूँ मैं? Well, अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर स्टेट करना। मुझे बताओ यार, आज इन सारे फैक्ट में से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा? और इस वीडियो से कुछ भी नया जानने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। पहली बार देख रहे हो इस चैनल को तो अभी ही सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देखते रह सको और अपने नॉलेज को बढ़ाते रह सको और अपने दोस्तों से आगे बढ़ सको। With that said, as always, stay curious, keep learning and keep growing. जय हिंद।